अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, जल्दी जल्दी बताएं करंट सिचुएशन इस ग्रीन कैंडल पे आगे क्या होगा, बाई करें कि सेल करें। इस वीडियो को होल्ड करें, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, सोचें जल्दी जल्दी और मुझे बताएं कि इसके बाद बाई की ट्रेड बनेगी कि सेल की ट्रेड बनेगी। नीचे कमेंट्स के अंदर आई होप आपने जवाब लिख दिया होगा। चले चार्ट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर इस जगह पे मैं चार्ट को एनालाइज करूं तो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे यहां पे नजर आ रही हैं। पहली चीज ये कि मार्केट में हमारे पास यहां पे राइजिंग ट्रेंड लाइन मौजूद है। मैं ये नीचे से खत्म कर देता हूँ वॉल्यूम्स को। यहाँ पे हमारे पास राइजिंग ट्रेंड लाइन मौजूद है जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रही है। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास नीचे जाती हुई एक और ट्रेंड लाइन भी मौजूद है जो कि मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रही है। और इन दोनों ट्रेंड लाइंस के अंदर अगर आप गौर करें इस डॉजी कैंडल से पहले पहले, तो मार्केट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन जनरेट की है। उसके बाद इस डॉजी कैंडल ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक किया और नतीजतन मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां पर इस कैंडल को देख रहे हैं तो हमें इस कैंडल के बाद बाई की एंट्री लेनी है तो ली जा सकती है। दूसरे लफ्जों में यह कह सकता हूं कि अगर आपने यहां से एंट्री मिस कर ली है तो एक रीटेस्ट का वेट कर लें तो बाई की एंट्री ली जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन भी है जो हम मिस आउट कर रहे हैं, और वो क्या है, मैं इन ट्रेंड लाइन को खत्म कर देता हूं फिलहाल। वो ये है कि ये हमारे पास एक बड़ा स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड था जिसको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की रेड कैंडल ने नीचे की तरफ पुश किया और उसके बाद मार्केट ने डाउनवर्ड मूव दिखाना शुरू किया। उसके बाद दोबारा से इस बड़ी सारी ग्रीन कैंडल ने मार्केट को, मार्केट के डाउनवर्ड मूव को खत्म करने की कोशिश की, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस कैंडल से ऊपर क्लोज नहीं हो सकी, नीचे ही क्लोज हुई है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, लेकिन ऊपर एक बड़ी लंबी सारी विक छोड़ के आ गई। उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी है, ऊपर जाने की बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हुई है और ऊपर फिर एक बड़ी लंबी सारी विक बनी है और मार्केट नीचे जाके क्लोज हो गई है। इस एरिया को अगर हम गौर से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे लंबी लंबी विक्स बनती हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पे बायर्स और सेलर्स के दरमियान बहुत शदीद जंगो जदल हुई है, बहुत शदीद कश्मकश हुई है। बायर्स ऊपर जाना चाहते थे, सेलर्स नीचे जाना चाहते थे। बायर्स ने ऊपर जाने की ट्राई की, सेलर्स ने ऊपर जाने नहीं दिया, वापस उनको नीचे लेके आ गए। तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर कोई कैंडल यहां पर बनती है ऐसी जो बड़ी स्पीड से बने और इस एरिया को पूरे का पूरा ब्रेक कर जाए, तभी मार्केट इस एरिया से बाहर निकल सकेगी। अदरवाइज मार्केट स्लो मूव के साथ इस एरिया से निकलने की अगर कोशिश करेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर इस किस्म के बड़ी एरिया से निकल सके। तो देखते हैं क्या होता है। अगली कैंडल हमारे पास रेड बन गई है और ये रेड कैंडल तो बहुत ही सिग्निफिकेंट कैंडल है, क्योंकि इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन, पिछली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर किया है। यानी एक क्लियर बेरिश एनगल्फिंग कैंडल हमारे पास मौजूद है, बेरिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। बड़ा क्लियर सेल का सिग्नल है, रिस्क थोड़ा सा है, लिया जा सकता है। इस कैंडल के बाद अगली कैंडल के स्टार्ट होते ही हम यहां से अपनी सेल की ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हवाले से मेरा एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आप ज़्यादा अगर लालच नहीं करें, ज़्यादा रिस्क ना लें, तो आप 1-to-1 की रेशियो के साथ ट्रेड कर सकती हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा इसका, ये हमारा 20 पिप्स का इसका टेक टोटल स्टॉप लॉस है। 20 पिप्स का आप अपना टेक प्रॉफिट रखें फर्स्ट, और अगर वो आपका हिट हो जाता है तो फिर आप 20 पिप्स का मजीद टेक प्रॉफिट ले, यानी टोटल 40 पिप्स का टेक प्रॉफिट आप इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, जो कि रफली यहां पे जाके तकरीबन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस जगह पे जाके आपका 40 पिप्स का टेक प्रॉफिट जो है वो हिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने बेरिश इंगल्फिंग के बाद एक और रेड कैंडल बना दी, बड़ा जबरदस्त क्लियर इंफॉर्मेशन है कि मार्केट ने बेरिश इंगल्फिंग को कंफर्म भी कर दिया है मगरी रेड कैंडल के साथ। और उसके बाद आप देखें मार्केट लगातार नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे चलती चली गई है। तो बार बार एक ही बात कहता हूं, ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, समझने की जरूरत है। जहां पे भी लंबी लंबी विक्स नजर आए उनको गौर करें। अगर मार्केट फोर्स के साथ इस विक को ब्रेक कर रही है, इस विक वाले एरिया को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तभी बाइंग होगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और वहां पे आपको कोई भी रिटर्न पैटर्न नजर आता है तो बड़े आराम से उसको ट्रेड किया जा सकता है। हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें, कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें। स्टॉप लॉस खुदा ना खासा हिट हो जाए,
होता है, हर ट्रेडर का होता है, हर अच्छे ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है। जो जिनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता वो एक्चुअली स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता वो टेक्निकली ट्रेडर ही नहीं है, वो तो जुआ खेल रहा है। तो स्टॉप लॉस लगाएं, हमेशा गलती का इम्कान हमेशा होता है, हर ट्रेड में होता है। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकती है, कोई न्यूज आ जाती है, कोई कुछ हो जाता है, तो वहां पे कुछ भी तब्दील हो सकता है। स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया जाता है ताकि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टेक प्रॉफिट के साथ ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब रिजल्ट्स आएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर फोकस करें, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर फोकस करें। मैं ये नहीं कहता कि जितने भी आजकल नए नए कोर्सेज आए हुए हैं आप वो ना करें, वो सारे करें, लेकिन बेसिक्स को जरूर मद्देनजर रखें। मार्केट आज से 100 साल पहले भी बेसिक्स के साथ ही काम कर रही थी और आज भी बेसिक्स के साथ ही काम कर रही है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हो तो इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड्स की जा सकती हैं। इंशाल्लाह फिर अगली ट्रेड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।